बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसिया फैशन व्लॉग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे अल्लाह ताला के करम से। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ बहुत जल्द ख़त्म फरमाएं और आप बहुत खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिया और आपके लिए लेके आई हूँ ब्राइड मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल एंड ड्रेसेस। और बहुत ही आपको इसमें जो लेटेस्ट जो डिज़ाइन चल रहे हैं ज्वेलरी के, ड्रेसेस के एंड मेकअप की बात करें हम तो आप इसमें देखेंगे बहुत सॉफ्ट मेकअप भी है एंड बहुत जो डार्क मेकअप होता है जैसे कि बारात ब्राइडल का होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और हर तरह का आइडिया है, माथा पट्टी है, बिंदिया है, साइड बिंदिया है जिसको झूमर बोलते हैं, नेकलेस है, लॉन्ग नेकलेस है जिसको रानी हार भी बोलते हैं और इयररिंग्स बहुत आपको इसमें सेट के साथ छोटे छोटे जो डिज़ाइन है वो भी नज़र आएंगे एंड थोड़े लॉन्ग में भी आप इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो हर तरह का आपको इसमें डिज़ाइन नज़र आएगा और इसके अलावा हेयर स्टाइल खुले बालों का भी है, बंधे बालों का भी है और ज़्यादा ट्रेंड जो है वो वैसे खुले बालों का है गर्ल्स जो हैं, चूँकि ट्रेंड के साथ फैशन के साथ ज़्यादा चलना पसंद करती हैं तो आपको इसमें खुले बालों के भी आइडियाज़ नज़र आएंगे। लेकिन आई थिंक के जो बंधे बाल हैं वो ब्राइड के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि ब्राइड ने ज़्यादा देर तक बैठना होता है तो उसको जो खुले बाल हैं बहुत ही इरीटेट करते होंगे, तो आई थिंक के बंधे बाल ज़्यादा सूट करते हैं। और ड्रेसेस जो हैं वो तो आप इसमें देख ही रहे हैं, बारात ब्राइडल ड्रेसेस भी हैं एंड इसके अलावा आपको वलीमा ब्राइडल ड्रेसेस भी नज़र आएंगे, निकाह एंड एंगेजमेंट जो ड्रेसेस होते हैं वो भी आप इसमें देखेंगे। खुद ही आइडिया हो जाता है, लाइट वर्क जो है वो निकाह एंड एंगेजमेंट पे होता है और लाइट कलर्स में जो ड्रेसेस होते हैं वो लीमा ब्राइड के होते हैं और डार्क कलर रेड एंड मेहरून ये बारात ब्राइडल के लिए। एंड रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें प्लीज़ एंड कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।